कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भोरंज में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। प्रेम कौशल ने पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 3 नेताओं को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी हिमाचल की 4 सीटों पर विजय हासिल करेगी। इसका यह कारण भी है कि पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से ऐसे वायदे किए जिनकी कल्पना करना ही संभव नहीं है। भाजपा मुद्दों से पलटने वाली पार्टी बनकर रह गई है। अगर भाजपा में विकास, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के प्रश्न आम जनता व कांग्रेस पार्टी करती है तो जवाब हिंदू और मुसलमान का मिलता है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और आने वाले लोकसभा चुनावों में जनता भाजपा की सरकार को अनदेखा करेगी। इस मौके पर पंचायत प्रधान गरीब दास, झरलोक के प्रधान नरेश ठाकुर, पवन कुमार बराड़ा के प्रधान संजय कुमार, लिखी राम, कैप्टन किशन लाल, प्रकाश चंद सुरेंद्र आदि उपस्थित रहे। आतंकवाद के साथ जोड़ देते हैं हम। अगर कोई सवाल पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि राफेल में आपने कमीशन खाया, उसमें भ्रष्टाचार किया है, तो उसके ऊपर जवाब देने के बजाय फिर हिंदू मुसलमान की बात करनी शुरू करें। तो आज देश के अंदर जो एक्चुअल जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जिनके विषय में लोग जवाब चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी आम जनता भी पूछना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उन मुद्दों का जवाब नहीं देते, उन प्रश्नों का जवाब नहीं देते। सत्ता हासिल कर लें लेकिन देश नहीं बचे। राजनीतिक पार्टियों के लिए सर्वोपरि देश होना चाहिए, देश की जनता होनी चाहिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में देश और देश की जनता और देश की समस्याएं कभी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य हमेशा से रहा है एन केन पर केन सत्ता को हासिल करना। लेकिन अब देश की जनता इनके इस तरह की जो चालबाजियां हैं, इस तरह का जो इनका एक राजनीति करने का तरीका है, उसको मैं समझता हूँ, समझ चुकी है। और आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं, इसमें नरेंद्र मोदी का अध्याय जो है वो समाप्ति की ओर जो है अग्रसर हो चुका है। पिछले जितने लोकसभा के उपचुनाव हुए, जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए हैं, उनमें समाप्ति की तरफ अग्रसर हो चुका है। लेकिन आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है 2019 का, उसमें इसके ऊपर पूर्ण रूप से जो है हिंदुस्तान की जनता जो है वो अंतिम मोहर इसके ऊपर लगा देगी। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का मौर्य विस्तृत जो है वो केंद्र से पैक होगा।